गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहले से फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण अध्ययन सेक्टर पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु प्रशिक्षण वीडियो के अंतर्गत मित्र टॉपिक है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम मित्र के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम पौधों में पेड़ पौधे के रूप में तथा जानवर मित्र के रूप में तथा नंबर थर्ड मित्र के रूप में प्राकृतिक संसाधन, ये तीन बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके थे, पर आज मैं उनको वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो आज हम मित्र के प्रकार से अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से मित्रता के स्वरूप में सामान्य रूप से मित्रता का स्वरूप व्यापक होता है। इसलिए मानव समुदाय में एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव समर्पण भाव देखने को मिलता है। पर्यावरण से संबंधित मित्रों के प्रमुख स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। नंबर वन, पेड़ पौधों के रूप में मानव के सबसे बड़े मित्र पेड़ पौधे होते हैं, जिनसे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हमारे परिवार में पौधों को सब्जियों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे गाजर, मूली, आलू एवं शकरकंद आदि। इसके साथ साथ पेड़ पौधों को जानवरों का आहार भी बनाया जाता है। इन जानवरों से हमें दूध, गोबर की खाद एवं ऊन आदि प्राप्त होते हैं। घर बनाने के लिए तथा रोटी बनाने के लिए भी इनसे लकड़ी भी प्राप्त होती है। इस प्रकार पेड़ पौधे परिवार के लिए तथा परिवार के सदस्यों के लिए मित्र के रूप में कार्य करते हैं। नंबर टू, जानवर मित्र के रूप में। जानवर भी मित्र के रूप में परिवार तथा परिवार के सदस्यों को सहायता करते हैं, जैसे कुत्ते को एक स्वामी भक्त जानवर माना जाता है, गाय को भी एक उपयोगी जानवर माना जाता है। इससे हमें दूध प्राप्त होता है तथा इसके बछड़े हल चलाने को काम आते हैं। जानवरों की सहायता से व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में गाड़ी चलाकर सामान ढोने का कार्य करते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के प्रमुख साधन जानवर ही है। इस प्रकार जानवर परिवार का एक प्रमुख मित्र है। और मित्र के रूप में प्राकृतिक संसाधन, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन परिवार के मित्र के रूप में कार्य करते हैं, जैसे झरना, नदी, तालाब तथा प्रमुख वनस्पतियां आदि। इन साधनों के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन को बल मिलता है तथा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्राकृतिक संसाधनों पर एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता रहती है। इसके परिणामस्वरूप खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल का निर्माण होता है, जिससे पर्यावरण का पूर्ण संतुलन बना रहता है। नंबर फोर, मित्र के रूप में खनिज संसाधन। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के रूप में खनिजों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये मानव के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, मैंगनीज एवं अभ्रक इत्यादि। इन सभी संसाधनों के आधार पर उद्योगों का संचालन होता है, जिनसे परिवार के सदस्यों को रोजगार प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग भी प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज पदार्थों द्वारा संचालित होते हैं, जो हमारे आर्थिक विकास में मदद करते हैं। नंबर फिर, सामाजिक मित्रों के आधार अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज के उत्थान में कार्य करते हैं। परिवार के समूह अपने उत्थान व विकास हेतु समितियों का भी गठन करते हैं, जो कि उनके विकास मार्ग में सहयोग प्रदान करते हैं। ग्राम सभा, ग्राम
प्रधान तथा जिला पंचायत के सदस्य तथा विभिन्न प्रकार के अशासकीय संगठनों के सदस्यों को सदस्य जो कि समाज उत्थान का कार्य करते हैं सामाजिक मित्र के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर सिक्स सांस्कृतिक मित्र बालकों एवं परिवारों को उनके बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों के विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्व को पालकों एवं परिवारों को अपने बुजुर्ग एवं वरिष्ठ नागरिकों से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्व की जानकारी प्राप्त होती है। अनेक संस्थाओं द्वारा एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जम्मू कश्मीर की संस्कृति एवं उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ज्ञान अनेक संस्थाओं द्वारा एवं कार्यक्रमों द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों को सांस्कृतिक मित्रों के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस क्षेत्र में सरकारी संगठन एवं गैर सरकारी संगठन सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। नंबर 7 धार्मिक मित्र परिवार में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों का आयोजन होता है। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म से संबंधित होता है। इस स्थिति में बालकों की धर्म संबंधी ज्ञान परिवार से ही प्राप्त होता है। सर्वधर्म समभाव की व्यापक धार्मिक सोच एवं धर्म के सही अर्थ को जानने में सहायता करते हैं। वे धार्मिक मित्र के नाम से जाने जाते हैं। इस कार्य को धर्म गुरुओं तथा समाज के धार्मिक पुरुषों द्वारा संपन्न किया जाता है। बालकों के परिवार में होने वाले धार्मिक आयोजनों में धार्मिक मित्रों का विशेष सहयोग होता है। नंबर 8 विद्यालय मित्र विद्यालय परिवेश में मित्र मंडल का निर्माण होता है। बालक विद्यालय में समूह के साथ रहकर जो कार्य करता है सीखता है, इससे वह मित्र समूह का निर्माण करता है। इस प्रकार के मित्रों को विद्यालय श्रेणी के मित्रों के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि परिवार का संबंध मित्र जगत से व्यापक रूप में होता है। परिवार का संगठन प्रेम एवं सहयोग के आधार पर होता है। मित्रता का आधार भी प्रेम एवं सहयोग होता है। जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो मित्रता के प्रथम पायदान पर होते हैं तथा धीरे धीरे यह मित्रता प्रगाढ़ रूप से विकसित हो जाती है। आज हम पूर्ण रूप से मित्रता मित्र व मित्र के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। आज इतना ही, कल हम अच्छे मित्र के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्ते।